अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। बकरीद तो हुई, गोश्त भी तकसीम हुआ, तीन दिन जानवरों की कुर्बानी के बाद फिर वही बेडंग गिरफ्तार की तरह घूमने के मजे लेने सैर तफरी के लिए उम्मत निकल पड़ी है। यकीनन छोटे बच्चों को लेकर तफरी कुछ हद तक समझ में आ भी सकती है, लेकिन पूरा का पूरा खानदान और खासकर नौजवान लड़का लड़कियों का हिल स्टेशन पर सेल्फी रील्स की तो एक तरह से बाड़ी आई हुई है। मतलब अब कुर्बानी के बाद कम से कम महीना तक गोश्त की फिक्र से सबकदोश हुए हैं। तकरीबन मुसलमानों के रेफ्रिजरेटर गोश्त से लबालब भरे हुए हैं। अब इस पर भी तबसरा करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर साल इसी तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। सिर्फ बेलगाम ही नहीं, अगर पूरे मुल्की सतह पर ही देखा जाए तो शायद ही कोई पार्क, कोई फॉल्स, नदी, जू, वाटर पार्क खाली नजर आएगा मुसलमानों से। बेलगाम शहर की बात की जाए तो असद का दरगाह, याता, किला तालाब, भुतरा मट्टी पार्क और भी दिगर जगहों पर एक तरह का सैलाब देखने को मिल रहा है। खैर, हज भी जारी है। इस साल हज में सड़कों पर पड़ी लाशें बहुत कुछ बयान कर रही है। किस तरह सऊदी हुकूमत के गलत इंतजाम की कीमत बुजुर्ग हुज्जाज किराम को भुगतनी पड़ रही है। बुजुर्गों की लाशें इस तरफ इशारा कर रही है कि बुजुर्ग वालिदैन को किसी हज टूरिस्ट के हवाले ना करें, बल्कि नौजवान बेटा या बेटी साथ में रहे। हज की तस्वीर जो उभर कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब इन तमाम मुकद्दस जगहों का तकद्दस भी पामाल किया जा रहा है। जो रिपोर्ट हासिल हो रही है, पानी का इंतजाम नहीं, रहने के लिए टेंट ठीक से नहीं है, गर्मी की तपीश का अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। बस, मेट्रो, टैक्सी के इंतजाम की बेतरतीबी, या तो यूं कहिए कि कुछ जगहों पर तो बिल्कुल बंद किया गया। उस शिद्दत की गर्मी में चलते चलते कई बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे फोन के जरिए वहां के हालात बताए, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं और वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। लाशें पड़ी हुई हैं और इनका कोई पुरसा निहाल नहीं है। लाखों लोग जाते हैं, कुछ ने तो 10-10, 20-20 हज किए हुए हैं। खैर, आज मौजू कुछ और है। सऊदी हुकूमत अब किस तरह कमर्शियल हो रही है, इस पर कभी और वक्त वीडियो बनाएंगे। लिहाजा आज का मौजू मुस्लिम नौजवान जिस तरह आवारागर्दी, या यूं कहिए कि जिंदगी को लेकर किसी तरह संजीदा नजर नहीं आ रहे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बकरीद के बाद सैर तफरी को जाने वाले 6 नौजवानों की अंबोली सड़क पर हादसे में मौत हो गई। और इस खबर को यूं ही बिल्कुल नजरअंदाज न करें, कोई मामूली खबर नहीं है। मोटरसाइकिल से दोस्तों के साथ एडवेंचर करने वाले इन नासमझ नौजवानों की मौत घर वालों को ऐसे जख्म दे जाती है जो कभी भर नहीं सकते। कोनूर, गोकाक, सादिक और इम्तियाज, महज 19 साल के लड़के, ये कोई अमीर खानदान से भी नहीं थे। गोकाक फॉल्स के यहाँ फ्रूट बेचने वाले के ये बच्चे इस तरह दरमियान में हादसे का शिकार हो जाते हैं तो वालिदैन की कैफियत क्या होती है, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। माँ बाप बहुत सारी उम्मीदों के साथ इनकी परवरिश करते हैं, 20 साल तक फूल की तरह परवरिश के बाद अचानक सिर्फ कुछ लम्हों में हादसे का शिकार होकर इस तरह दरमियान से चले जाने का गम सिवाय इनके माँ बाप के कोई नहीं समझ सकता। हम और आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द की गहराई माँ बाप ही महसूस कर सकते हैं। खैर, क्या आज के नौजवानों को भी कुछ इसका एहसास है? तुम्हारी जिंदगी तो कुछ लम्हों में चली जाएगी, पर पीछे बूढ़े वालिदैन को सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। कभी कभी जिंदगी और मौत की रेस में जिंदगी हार जाती है। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाने का शौक आज के नौजवानों के सर पर चढ़ा हुआ है। भले इस बात को कुछ लोग कबूल ना करें, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा बड़ी रात या ईद के मौके पर, यहाँ तक के गांधीनगर हाईवे पर मुस्लिम लड़के रेस लगाकर मोटरसाइकिल दौड़ाते रहते हैं। इस तरह की मौत को एक तरह खुदकुशी ही कहा जा सकता है। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें पीला, हरा और फिर लाल दिखाया जाता है। लाल अपने आप में इशारा होता है कि यहां तक तेज रफ्तार न दौड़ाएं, खतरा है। पर आज के इन खतरों के खिलाड़ियों को कौन समझा पाएगा? और वैसे भी आजकल बड़ों की बात न मानने का आजम आज के नौजवानों ने कर ही लिया है। लिहाजा जिस समाज में कई दीनी रहनुमा लीडर बनने से पहले ही कुछ लोग हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। वालिदैन जवान होते बच्चों को देखकर उम्मीद लगाए रहते हैं कि बुढ़ापे का कहीं सहारा तो नहीं बनेगा, और अब यही हमारे दिनों को बदलने वाला है। अब गरीबी निकल जाने वाली है, पर क्या मालूम कि हादसे की मौत इनके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है। घर से सैर तफरी को निकलने वाले नौजवान कभी इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि इनका कोई पीछे इंतजार भी कर रहा है। इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। दीनदारी से दूर होता नौजवान सफर की दुआ या सदका देने से या 2 रकात नफल नमाज पढ़कर घर से बाहर निकलता हो, शायद याद भी ना आया हो इसे कभी। नौजवान पानी में डूब कर मर जा रहे हैं,
सड़क हादसों की तो मुस्तकिल वारदातें देखने सुनने को मिल रही है। कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि मुस्लिम नौजवान बेतरतीब जिंदगी जीने के आदि होते जा रहे हैं। वालिदैन से हुस्न सुलूक करना भी कब का छोड़ दिया गया। 18 साल से आगे जब बढ़ते हैं तो इन्हें सींग आना शुरू हो जाता है। किसी तरह का मशवरा या हिदायत इन्हें देना गोया अपनी तौहीन समझते हैं। अक्सर नौजवानों में खुद को अकलमंद समझने की आदत कसरत से देखने को मिलती है। बेलगाम मोदगा और पंतबाड़ी कुंदरी के मलिक मुजावर और दौलत मोमिन महज 21-22 साल के थे तो गोकाक कन्नूर के सादिक मुल्ला और तैयप्पा नारी सिर्फ 19 साल के थे। और दो नौजवानों के मौत की भी खबर आई है जिनके नाम अब तक हासिल नहीं हुए। मलिक मुजावर और दौलत मोमिन का हादसा हिंदगांव फाटा पर हुआ तो सादिक मुल्ला तैयप्पा नारी का हादसा नागरताज फाटा के पास पेश आया। ईद के बाद घूमने जाने की पुरानी आदत मुसलमानों में है और ये भी अम्बोली को बाशी खुतबा मनाने जा रहे थे और जाना चाहिए, इसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जाते वक्त कुछ एहतियात बरतना भी अपनी जिम्मेदारी होती है। इसे सिर्फ हादसा न समझे बल्कि माशरे का सरमाया था ये नौजवान। कौम मिल्लत मुल्क के खातिर हो सकता है इनसे आगे काम भी लिया जा सकता था। इस तरह एक ही दिन में 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत वाकई दिल को छू लेने वाली कह सकते हैं और हाथ से सबक लेने के लिए ही होते हैं क्योंकि ये जान अल्लाह की दी हुई है। इस तरह गफलत के शिकार नहीं हो सकते क्योंकि जिंदगी और मौत साथ साथ चलते रहते हैं। जिस तरह एक बच्चा खानदान में आता है तो कई सारे रिश्ते जोड़ लेता है, उसी तरह एक नौजवान की मौत ना सिर्फ खानदान बल्कि माशरे के नुकसान की तरह होता है। अम्बोली रोड पर इससे पहले भी कई हादसों में नौजवान मारे जा चुके हैं। मोमिन की जिंदगी बेवजह खत्म होने के लिए नहीं है और साथ में नौजवानों को घर वालों को लेकर भी फिक्र करने की जरूरत है। अपनी मनमानी जिंदगी जीने के ख्याल से बाहर आकर अपने वालिदैन घर इस समाज और कौम के खातिर कुछ करने के जज्बे को परवान चढ़ाए। वरना तो बेवजह किसी हादसे की मौत को घर वाले तो भूल नहीं सकते लेकिन अल्लाह के नजदीक भी इस जान की जवाबदेही होनी है, इसका भी ख्याल हम सबको होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हादसे में जितने भी नौजवानों की मौत हुई है इनकी मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।